बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मोहम्मद जहूर वेलकम यू इन दिस इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू प्रिपरेशन सीरीज। टुडे वी विल कवर सेक्शन 62 एंड दिस सेक्शन इज पार्ट ऑफ पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3 द टैक्स क्रेडिट्स। बिफोर वी स्टार्ट दिस सेक्शन आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैव नॉट डिससब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और बाकायदगी से आगाज़ करते हैं सेक्शन 62 का, द टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस। अब आपको पता है कि शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, स्पेशली ऐसे शेयर्स जो कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऑफर किए जाते हैं, और इसके अलावा इंश्योरेंस के अंदर, ये एक हेल्दी साइन है। इसे गवर्नमेंट इसको इनक्रेज करती है, ठीक है। इससे एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और इसके अलावा दूसरे होते हैं लोगों का जो हेल्थ की जो कॉस्ट होती हैं वो कम हो जाती हैं, जो गवर्नमेंट ने बियर करनी होती हैं। तो इसके लिए फिर कुछ टैक्स क्रेडिट भी दिए गए हैं, लेकिन ये टैक्स क्रेडिट जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक रेजिडेंट पर्सन को दिए गए हैं, अदर देन अ कंपनी। मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी इसे बेनिफिट ले सकता है और नॉर्मल पर्सन भी ले सकता है, लेकिन कंपनी इसे बेनिफिट नहीं ले सकती। उनको एक टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा किस चीज़ के लिए? कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग ऑफ द न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय द पब्लिक लिस्टेड कंपनी। पब्लिक कंपनी, देखिए एक पब्लिक कंपनी है, उन्होंने आपको शेयर्स ऑफर किए, लेकिन ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम शेयर थे, जिसको नॉर्मली हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और ये जो कंपनी थी ये लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड थी। तो जितने भी आपको उन शेयर्स को अक्वायर करने की कॉस्ट पड़ी, फ़र्ज़ करें कि आपने 100 शेयर खरीदे थे, उसका जो टोटल कॉस्ट आपको पड़ी थी वो थी 100, और 50 रुपये का एक शेयर था, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5,000 रुपये आपकी कॉस्ट थी। तो इसके ऊपर आपको एक टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल अलॉटी को मिलेगा। फ़र्ज़ करें कि मुझे ये अलॉट हुए थे तो मैं ही इसका बेनिफिट ले सकता हूँ, अगर मुझसे कोई और ख़रीदेगा तो मैं वो बेनिफिट नहीं ले सकता। और इसके अलावा शेयर्स आर अक्वायर्ड फ्राम दी प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन, या तो कंपनी ने आपको ऑफ़र किए थे या फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको ऑफ़र किए थे तो आपको दिए थे, तो ये जो है इसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ है। अब वन ए क्या कह रहा है, या जिसको ये कह रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग, अगर सकूक बॉन्ड थे जो कि किसी पब्लिक कंपनी ने ऑफ़र किए थे, आपने वो सकूक बॉन्ड खरीदे, तो जितनी उसकी कॉस्ट थी वो आपको उसके ऊपर क्रेडिट अलाउ होगा। लेकिन उसके लिए भी यकीन हुई बात है कि जो कंपनी है ये आपके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होनी चाहिए, और उसके अलावा रेजिडेंट पर्सन जो है वो उसका ओरिजिनल अलॉटी भी होना चाहिए, मतलब मिले मुझे थे और मैं ही उसका टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ, कोई और नहीं। वन बी क्या कह रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग, अगर आपने यूनिट ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, अब आपको एक कंप जो है ना उसको ऑफर किया गया था, अब ये जनरल पब्लिक को ऑफर हुए थे और आपने उसमें से खरीद लिए, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग थी उसके ऊपर भी आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ है, लेकिन वो जो है ना ट्रेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी। फिर आखिर में एक और आखिर तो नहीं है लेकिन एक सब सेक्शन 2 के अंदर ये बताया जा रहा है, इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे, जैसे कि जुबली का हो गया या स्टेट लाइफ का हो गया, तो जितना भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका, लेकिन वो पॉलिसी कवर करे लाइफ इंश्योरेंस को, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, तो फिर और वो जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ऐसे नहीं कि एक शख्स है या एक छोटी सी फर्म है वो कह देता है कि हम आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे थे, आप पर मंथ हमें या पर ईयर आप हमें जो है ना 50,000 रुपये दिए करें, और आप 50,000 रुपये का आप टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। वो जो कंपनी है वो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC से रजिस्टर्ड हो, और उसके बाद फिर ये है कि चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस हेड सैली, और उसके बाद फिर ये जो आप यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं उसके प्रीमियम के ऊपर, वो कौन सी इनकम आपकी हो तो उसके ऊपर आपको बेनिफिट हो, सिर्फ इनकम फ्रॉम सैली के ऊपर और इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसके अलावा जो हेड्स ऑफ इनकम है अगर उससे आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको बेनिफिट यानी कि जो था टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। यहाँ एक और बात आपको बताया, एक प्रोवाइजो है कि टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अलाउड अंडर दिस क्लास, कि फ़र्ज करें कि आपने किसी भी जगह, मतलब वो चाहे शेयर्स थे चाहे इंश्योरेंस थी या कोई और चीज़, फिलहाल यहाँ इंश्योरेंस की बात कर रहा है, कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिल गया था। अब बाद में ये होता है, अक्सर इस तरह होता है कि लाइफ इंश्योरेंस लोग स्टार्ट कर देते हैं, 2-3 साल के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो अगले 2 साल में जब से आपने स्टार्ट किया था उसको आप सरेंडर कर देते हैं, मजीद इसके प्रीमियम नहीं पे करते, तो फिर क्या होगा, जितना भी क्रेडिट आपको दिया गया था वो क्रेडिट आपसे वापस लिया जाएगा और ये समझेगा कि ये आपको गलती से दिया गया है, और कमिश्नर आपकी इनकम को रिकम्प्यूट करेगा और इस तरीके से जितना भी आपका टैक्स बनेगा उतना टैक्स आपसे चार्ज कर लिया जाएगा।
क्लियर। और ये किस साल में होगा, जिस साल उसको पता चलेगा या जिस साल आपने वो खत्म किया था। ठीक है, अब खैर आपने किसी भी शक्ल में या तो शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, सुकुक बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, यूनिटेड फंड में, या आपने जो थी लाइफ इंश्योरेंस में कुछ प्रीमियम पे किए, तो आपका जो टैक्स क्रेडिट है वो कैसे निकलेगा। टैक्स क्रेडिट निकालने का जो फार्मूला है वो अगेन है ए डिवाइड बाई बी इंटू सी। ए जिस तरह की हमने पहले पढ़ा था, ये आपका टैक्स असेस था बिफोर अलाउंस ऑफ एनी यूनिट एनी इनकम टैक्स क्रेडिट। किसी किस्म का इनकम टैक्स क्रेडिट लिए बगैर आपका जो टैक्स बन रहा था वो आपकी वैल्यू ए बन जाएगी। मिसाल के तौर पर आपका 50,000 रुपये का टैक्स बन रहा था किसी किस्म का क्रेडिट लिए बगैर। बी इज़ दी पर्सन टैक्सेबल इनकम। बी असल में आपकी टैक्सेबल इनकम है। देखिए 50,000 रुपये जो टैक्स बना था वो एक्चुअल उस वक्त आपकी इनकम क्या थी, आसान सी फिगर लेते हैं, वो 1 लाख रुपये बन, सॉरी 10 लाख रुपये बन रही थी। अब सी है लेसर ऑफ। सी आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, उसमें से जो सबसे छोटा ऑप्शन है वो जो फिगर आ रही होगी उसकी वैल्यू यहाँ आप पुट कर देंगे। पहली बात क्या है कि टोटल कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग ऑफ शेयर्स थे, सकूस थे, कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रीमियम, जिस तरह भी था आपके पास टोटल आपने कितनी कॉस्ट ली, क्या शेयर्स खरीदने की कितनी कॉस्ट आपको पड़ी वो आप ले लेंगे। फर्स्ट करें कि आपने 60,000 रुपये के ये खरीदे थे, तो सी के लिए आप 60,000 की वैल्यू लेंगे। लेकिन सिर्फ अभी नहीं, अभी हम बी को देखेंगे। ये है 20% ऑफ दी पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर दैट ईयर। अब उस पर्सन की उस साल की टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही थी, वो फर्स्ट जिस तरह हमने ली थी 10 लाख रुपए थे, 10 लाख का 20% निकालेंगे तो वो बनेगी 2 लाख रुपए। तो अब बी की तरफ से आपको 2 लाख रुपए का जो है ना सी की वैल्यू बन सकती है। सी है कह रहा है कि भाई जितनी भी बाकी चीज़ें हों मैक्सिमम 2 मिलियन रुपी आप सी की वैल्यू ले सकते हैं। तो अब हम ए बी सी की यानी कि इन तीनों से सी की वैल्यू देखते हैं, तो जो हमारे केस में सबसे कम वैल्यू बन रही है वो 60,000 बन रही थी कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग ऑफ द शेयर्स। तो हम उसकी वैल्यू यही सी की वैल्यू यही ले लेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, टैक्स हमारा बना था 50,000 डिवाइडेड बाई कर लेंगे 10 लाख, इंटू कर लेंगे 60,000। तो खैर कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरीके से आपको पता चलेगा कि टोटल टैक्स क्रेडिट कितना बन रहा है। सी अब यहाँ आपको सॉरी थ्री थ्री में आपको यानी कि सब क्लास थ्री में सब सेक्शन थ्री में आपको मजीद कुछ प्रोवाइज़ हैं, उनका आप ज़रा आपने ख्याल रखना है। कंडीशंस हैं, वेयर पर्सन हैज़ बीन अलाउड अ टैक्स क्रेडिट अंडर सब सेक्शन वन इन अ टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ शेयर। क्या आपने शेयर परचेज किए, उस शेयर परचेज की वजह से आपको किसी साल मिला टैक्स क्रेडिट मिला। लेकिन होता क्या है, द पर्सन हैज़ मेड डिस्पोजल ऑफ दी शेयर विद इन 24 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो जिस दिन से आपने खरीदे थे उसके अगले 24 मंथ के यानी 2 साल के अंदर अगर आपने वो शेयर डिस्पोज कर लिए तो फिर क्या होगा, अब जितना भी आपका जो टैक्स क्रेडिट आपको मिला था, फ़र्ज़ करें कि वो आपको 10,000 रुपये मिला था, तो फिर क्या होगा कि आपने जो अगले साल की जो अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल है, जिस साल भी आपने इसको डिस्पोज किया, फ़र्ज़ करें कि 2019 में आपने ख़रीदे थे, 2019 में आपने क्रेडिट लिया, 20 में ले लिया और 20 के अंदर ही आपने उसको बेच दिया, 2 साल पूरे नहीं हुए थे, तो नेक्स्ट ईयर की आप जब टैक्सेबल इनकम निकालेंगे उसमें जो टैक्स क्रेडिट है वो भी ऐड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपका जो वैसे टैक्स बन रहा था वो था 50,000 रुपये बन रहा था, 50,000 रुपये में 10,000 का आप टैक्स क्रेडिट ऐड कर लेंगे जो आपने लिया था टैक्स शेयर्स की वजह से। तो 50,000 जमा 10,000, 60,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये अगले साल का टैक्स पेबल होगा। अब ये था हमारा आज का सेक्शन 62। सेक्शन 62 में हमने देखा कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या मंथली प्रीमियम पे करते हैं या फिर आप क्या करते हैं शेयर्स के अंदर या सुकूक के अंदर, तो इसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ है। लेकिन टैक्स क्रेडिट ये है कि आपने मिनिमम एक खास पीरियड के लिए इन चीज़ों को अपने पास रखना होता है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए कंडीशन ये है कि आप 2 साल से ज़्यादा इसको कंटिन्यू करेंगे और उसके अलावा 24 मंथ के लिए शेयर्स अपने पास होल्ड रखेंगे। तो अगर इसे कम रखेंगे तो जो क्रेडिट आपको मिलेगा वो रिवर्स बैक हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी, हम इंशाल्लाह 62A पढ़ेंगे। 62A भी बिल्कुल इसी तरह ही है, इसको आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, चीज़ें आपके पास समझ आ गई हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि क्या मुझे इस पर एक अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत है या नहीं। अल्लाह हाफिज़।